हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड यू आर वेलकम टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश ग्रामर विद एंथनी सर। यहां पर आपको स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक प्रकार के रिलेटेड वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 7 जो है उसका होली फेथ पब्लिकेशन का ये जो बुक है ग्रामर का, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत सारी स्कूल ये बुक रेकमेंड करती है, उनके स्कूल में सिखाया जाता है। तो उसी का ये लेसन है जो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, दैट इज लेसन नंबर 7, इंटरोगेटिव लिंक। ओके, यहाँ पर वर्ड में ही हम लोगों को मीनिंग पता चल जाता है। इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वर्ड और वो यहाँ पर लिंक का काम कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे। नाउ ये जो बुक में से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए वर्ड टू वर्ड हम लोग उसके रूल्स समझने का प्रयत्न करेंगे और मैं आपको डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इन बुक 6 मतलब क्लास 6 में यू हैव लर्न द यूज ऑफ हु, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच एंड व्हाई। ये सारे WH वर्ड है, इसमें हाउ भी आ जाता है। कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि सर हाउ कैसे WH वर्ड हो सकता है, वो भी WH वर्ड का पार्ट है एज ए क्वेश्चन वर्ड, और उसके क्वेश्चन वर्ड में मीनिंग क्या होता है वो हमने सीखा है पहले। Now we shall study their use as link word. अभी उसको link word में कैसे इस्तेमाल करना है वो हम सीखेंगे। First of all, we will learn the meaning of all these words. So let's start. Okay? और ये जो है ना, actually तुम्हें घर के अंदर chart बना के रखना चाहिए तुम्हें, who किसके लिए इस्तेमाल होता है, what किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो सारे word. So let us see. Who means what, which, person or person or persons. Okay? तो who किसके लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन, हाउ इज इस्तेमाल होता है, इन व्हाट वे, कैसे, हाउ, ओके, उसके लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट यूज होता है, विच पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, मतलब थिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, पर्सन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एंड व्हेन इट इज यूज फॉर, व्हाट टाइम, कौन से समय के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर इज यूज फॉर, इन व्हाट प्लेस और व्हाट प्लेस, कौन सी जगह के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होता है। एंड विच इज यूज फॉर, विच और व्हाट वन और वंस आउट ऑफ ग्रुप, कौन सा, किस, उसके लिए हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे विच। एंड व्हाई इस्तेमाल होता है, कौन सी वजह से, फॉर व्हाट रीजन। ओके, तो ये हर एक वर्ड्स के मीनिंग आप जान लो पहले, तो फिर उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा वर्ड प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव लिंक यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, तो उसी के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 6 कर सकते हैं। तो मतलब तुम्हें जानना होता है, अभी कभी कभार कैसा होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर एक या दो आंसर अप्रोप्रिएट आते हैं। ओके, तो वहां पर दो भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जहां तक मीनिंग निकलता है हम लोग दो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 16 आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, इंटरोगेटिव लिंक्स पर प्लस इंफिनिटिव। अभी कभी कभार क्या होता है जो इंटरोगेटिव वर्ड्स जो आते हैं ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, वो कंजंक्शन के तौर पे आते हैं, तो उसके साथ हम लोग इंफिनिटिव रख के, इंफिनिटिव मतलब क्या होता है, 2+V1, ये फॉर्म रख के हम लोग कुछ नए सेंटेंस बना सकते हैं कंबाइन करके। सो लेट अस सी, यू हैव स्टडीड अबाउट हाउ इंटरोगेटिव लिंक्स जॉइन टू सेंटेंस। ओके, तो इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या करते हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, द मेन सेंटेंस विद द सब सेंटेंस, बट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंसेस आर द सेम, ये कंडीशन रहती, अगर दोनों भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एन इंफिनिटिव फ्रेज बना सकते हैं, जैसे कि 2+V1 लिख के और बाकी के जो वर्ड्स है रिमेनिंग वो वहां पर लिख सकते हैं, एंड इट कैन बी यूज। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो, आई डोंट नो विच बुक आई शुड रीड। ओके, यहां पर आई मेरा सब्जेक्ट है, यहां पर भी आई मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, विच यहां पर इस्तेमाल हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अभी आई डोंट नो पहला ही मैं सेंटेंस कंप्लीट लिख दूंगा, विच तक कंप्लीट लिख दूंगा, विच बुक तक कंप्लीट लिख दूंगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया है। फिर सेकंड जो सेंटेंस है उसका, ये मेरा सब्जेक्ट अगर कॉमन रहेगा तो मैं यहां तक मेन वर्ब तक सब कुछ आगे का एस्केप कर दूंगा और मेन वर्ब है उसको 2 के साथ लिख दूंगा और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरे एग्जाम्पल में भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, शी डजंट नो वेयर शी कैन मीट। अभी देखो, शी दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है। ओके, वेयर मेरा लिंक वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अभी यहां पर मेन वर्ब क्या है, कौन सा है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब है, तो मीट ये मेरा मेन वर्ब है और ये एक्स्ट्रा इसके पीछे के वर्ड्स है, तो क्या करूंगा, पहला सेंटेंस वेयर तक कंप्लीट लिख दूंगा मैं, और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसका जो मेन वर्ब है उसको 2 के साथ लिख दूंगा, क्योंकि मुझे इन्फिनिटिव केस बनाना है, और उस ये जो वेयर के बाद ये जो वर्ड्स है ना वो स्किप हो जाएंगे।
क्योंकि मेन वर्ब के साथ मुझे टू लगाना है, ठीक है, फिर उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स लिख देना है, मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, नोट दैट इन सच सेंटेंसेस द सेंस ऑफ इंफिनिटिव फ्रेज इज फ्यूचर। ओके, अभी यहां पर जो इंफिनिटिव केस बनता है ना, उसका जो मीनिंग होता है वो जनरली फ्यूचर सेंस बताता है। ओके, फ्यूचर सेंस बताता है। We can't put the following sentence with an infinitive phrase. अगर वो future sense नहीं होता है तो हम उसको infinitive case में नहीं बना सकते। For example, I don't know which book I took. अभी देखो second sentence जो है ना वो past tense बता रहा है, I took. Okay? तो उसी की वजह से इसका जो infinitive case है वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो past tense का meaning बताता है और infinitive case होता है वो future tense का meaning बताता है। तो अगर ये sentence को मैं infinitive case में करूंगा तो उसका meaning change हो जाएगा, इसलिए हम लोग change नहीं कर सकते। Number two, she doesn't know where she had met. Okay, had met मतलब ये past perfect tense है, उसको भी मैं अगर मैं change करूंगा infinitive case में तो वो future tense हो जाएगा, तो meaning totally change हो जाएगा। So we can't say that. Okay, उसका reason मैंने आप लोगों को already बता दिया है। Now see, we can also use an infinitive phrase with the verbs of request. अगर request के verbs है तो वहां पर भी हम लोग infinitive case इस्तेमाल कर सकते हैं। For example, tell him where he must go. Okay, tell him ये वाला request है तो वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Tell him where तक clear लिखना है, फिर ये वाला skip हो जाएगा, ये वाला skip हो जाएगा, main verb तक पहुंचना ही है और वो main verb को हमें to के साथ लिख देना है, sentence complete. Next one, ask him what you must do. Okay, तो ask him what यहां तक से लिख देना है, फिर main verb तक जाते वक्त जितने भी words बीच में आते हैं उसको skip करके main verb को to के साथ लिख दो, तुम्हारा answer complete हो गया। Note that here the subject of the two section may or may not be the same. और यहां पर जो होता है वो subject जो होता है दोनों भी sentence का वो same हो या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पहला जो सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट हिडन रहता है, तो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा इस्तेमाल किया है इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि वो चेंज हो सकता है पर उसका भी इंफिनिटिव केस हो सकता है। पहले वाले सेंटेंस में मैंने बताया कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, पर अगर रिक्वेस्टिंग सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस शुरुआत में होते हैं तो सब्जेक्ट चेंज होता है, तो नो प्रॉब्लम, फिर भी तुम इंफिनिटिव केस कर सकते हो। ओके, तो उसके बेस पे तुम एक्सरसाइज नंबर 17 कर सकते हो। ओके, तो ये लेसन में हम लोग ने क्या सीखा, सबसे पहले जो लिंकिंग वर्ड्स है ये वाले इंटरोगेटिव लिंकिंग वर्ड्स, उसको हम लोग मीनिंग के साथ सेंटेंस में इस्तेमाल करना सीखेंगे, फिर उसके बाद उसको इंफिनिटिव के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे, और याद रखेंगे जब इंफिनिटिव केस बनाते हैं तो वो फ्यूचर सेंस दिखाता है, तो उसका मतलब अगर सेकंड सेंटेंस जो होता है वो पास्ट टेंस या तो पास्ट परफेक्ट में या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो उसका इंफिनिटिव केस नहीं होगा, और रिक्वेस्टिंग सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट भले ही अलग होता है तो भी हम लोग इंफिनिटिव केस बना सकते हैं। ये पूरा लेसन का समरी है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।